वडोदरा में संगीत के प्रति लोगों के लगाव के कारण ही इस शहर को कला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक संगीत के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। वडोदरा की करीब 150 साल पुरानी एक दुकान में बनी रुद्र वीणा इन दिनों चर्चा में है। इस पर सोने चांदी और हीरे से जड़ावत की गई है। भारतीय संस्कृत के मूल तंतुवाद यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के तार छेड़ते वडोदरा के आर्टिस्ट धवल मिस्त्री, इन्होंने 3.5 महीने की अंथक कोशिशों से ये रुद्र वीणा तैयार की है। कहा जाता है कि आज से 150-200 साल पूर्व दो तरह की रुद्र वीणा बनाई जाती थी, पेंटेड और सोना जड़ित। धवल ने जो वीणा बनाई है वो उसमें इन दोनों का प्रयोग करते नजर आए हैं। उन्होंने इसमें सोना, चांदी और अमेरिकी डायमंड का इस तरह इस्तेमाल किया है कि इसका वीणा की आवाज पर कोई असर ना पड़े। आज से 150-200 साल पहले पेंटेड वीणा बनती थी, जो इसमें हमने किया है काम पेंटेड, और वो पेंटेड तो बनती थी, साथ में गोल्ड का भी काम होता था। तो पहले की वीणा में पेंटेड वीणा अलग होती थी और गोल्ड वाली अलग होती थी। इसमें हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही वीणा में वो दोनों स्वरूप लाने की कोशिश की है। धवल मिस्त्री ने इस रुद्र वीणा पर रामचरितमानस के बेस पर पेंटिंग की है, जिसमें आप रामायण के विभिन्न घटनाक्रमों की शानदार चित्रकारी देख सकते हैं। हाँ, इस बात का ख्याल रखा है कि रुद्र वीणा एक मेडिटेशन इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए युद्ध वाले प्रसंग कम से कम दिखाए जाएं। रामचरितमानस को बेस करके चित्र किए गए हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं रामायण की, तो तुलसीदास और हनुमान जी का रामायण पे वार्तालाप, फिर राम जी का जन्म हुआ कौशल्या माँ के पास, फिर उनकी गुरुकुल अवस्था जिसमें वो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, फिर अहल्या जी का उद्धार, फिर जाके राम जी की शादी, और दूसरे तुम्बे पे जो बात चल रही है वो चल रही है केवट जी यानी वनवास, फिर आगे चल के भरत मिलाप, फिर जटायु के साथ रावण का युद्ध, और फिर राम रावण का युद्ध, और आखिर में राम दरबार। धवल मिस्त्री का मानना है कि पॉप संगीत के इस दौर में पारंपरिक और क्लासिकल संगीत वाद्य की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि आज की भागदौड़ भरी व्यस्त लाइफ में मन की शांति के लिए लोग, विशेषकर युवा, इसकी ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। पहले भी क्लासिकल सुनने वाला एक अलग ही वर्ग था, ये सुनने वाला भी, लाइट म्यूजिक सुनने वाला अलग वर्ग था। आज की डेट में देखा जाए तो ज्यादातर युवा इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि बहुत ही व्यस्त लाइफ में से अपने आप को एक मन की शांति देने के लिए इसके तरफ आकर्षित होते हैं। बल्कि मेरी बात करूं तो मैं मेरे पिताजी के अंडर में 2014 से काम कर रहा हूं, तो मैंने अभी तक किसी आर्टिस्ट के लिए या किसी के लिए वीणा नहीं बनाई। अभी तक जो भी बनाई 20-21 वीणा, वो सभी यंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। कहा जाता है कि रुद्र वीणा का निर्माण शिव जी ने पार्वती जी को ध्यान अवस्था में सोते हुए देखकर उनके द्वारा सुनी जा रही संगीत की आवाज को इमेजिन करते हुए किया था। आज रुद्र वीणा और डागर वीणा प्रचलित है। धवल मिस्त्री जैसे कलाकार इस पारंपरिक संगीत को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं काफी सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कह सकते हैं कि विरासत को सहेजने का एक अनोखा प्रयास